हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डू इन मिनट्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्क ब्रेक के एक कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे और उसे फिक्स कर आपको दिखाएंगे। तो डिस्क ब्रेक का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब आप ब्रेक को लगा देते हैं तो आपका डिस्क रोटर यानी कि जो डिस्क प्लेट होता है वो रुक जाता है, लेकिन आपका व्हील मूव करते रहता है और स्लिप करता रहता है। तो ऐसा होने के दो कारण है, या तो आपके डिस्क रोटर का थ्रेड खराब हो सकता है या फिर आपके हब का थ्रेड खराब हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये प्रॉब्लम को फिक्स कर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके पास साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यह है मेरी साइकिल जिसमें आज मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिला है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो डिस्क रोटर है वो व्हील से अच्छी तरीके से अटैच ही नहीं है, इसका थ्रेड ख़राब हो गया है। आप देख सकते हैं, हम इसे हिलाकर आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से इसमें टाइटली फिट नहीं है और ये मूव कर रहा है। हम आपको इसकी ब्रेक लगाकर व्हील को घुमाकर भी दिखा देते हैं कि ये अच्छी तरीके से इसमें फिट नहीं है, या तो डिस्क रोटर या फिर हब इन दोनों में से किसी एक का थ्रेड ख़राब है। तो चलिए हम लोग इसके खोल कर देखते हैं कि इन दोनों में से किसका थ्रेड है जो डैमेज है। तो इसके लिए आपको व्हील को खोल कर बाहर निकालना होगा। तो व्हील को खोलने के लिए आपको एक्सल में दिए गए नट को खोल कर बाहर निकाल लेना होगा व्हील को। तो यहाँ पर मैंने एडजस्टेबल रेंच का यूज़ किया है, आप चाहे तो 15 या 16 नंबर के रेंच से भी अपने वोल्ट्स को खोल कर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने व्हील को बाहर निकाल लिया है। अगर आपके साइकिल में भी इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है तो आपको भी ये सेम प्रोसेस ही करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हब है, यहाँ पर मेटल के छोटे छोटे चिप्स आ गए हैं, यानी कि ये तो कंफर्म है कि हमारा थ्रेड ही ख़राब हो गया है। और हम इसे साफ़ कर देखते हैं कि हमारा एक्सल का थ्रेड या फिर अपने डिस्क रोटर का थ्रेड ख़राब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्क रोटर है इसका थ्रेड ही ख़राब हो चुका है। और अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा हब का थ्रेड कैसा है। तो यहाँ पर देख लेने के बाद अच्छी तरीके से हमें पता चला है कि हमारा जो डिस्क रोटर है उसी का थ्रेड ख़राब है और एक और हमारा जो हब है उसका थ्रेड सही है। तो इसके लिए हमें न्यू डिस्क प्लेट ही लेना होगा। आप चाहे तो पुराने वाले का फ्लेंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अभी इजी तरीके से अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम इसमें दूसरी डिस्क रोटर ही इंस्टॉल करेंगे। तो वो पुरानी वाली को आपको रिप्लेस कर लेना है और नई वाली डिस्क रोटर को आपको इसमें लगाकर अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से टाइट हो चुकी है। तो हमने अपने पुराने वाले डिस्क रोटर को बदल दिया है और उसकी जगह पर दूसरे डिस्क रोटर को लगा दिया है, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमने अब जिस प्रकार से अपने व्हील को साइकिल में से बाहर निकाला था उसी प्रकार से हम इसे रखकर वापस से नट और बोल्ट से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। और टाइट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपने डिस्क प्लेट को अपने कैलिपर में अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा, जिससे आपका ब्रेक अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसमें लगाने के बाद ब्रेक भी एडजस्ट कर लेना होगा, तभी आपका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने व्हील को लगा दिया है, उसके बाद हम इसमें अपने ब्रेक को एडजस्ट करेंगे। अगर आपको डिस्क ब्रेक एडजस्ट नहीं करना आता है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने वायर को थोड़ा सा पहले से टाइट कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के बाद हम व्हील को बार बार घुमा घुमा कर देखेंगे कि हमारा ब्रेक ज़्यादा तो टाइट नहीं हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको बार बार इसे चेक कर देखना होगा कि आपका ब्रेक कैसा काम कर रहा है। और लास्ट में मैं आपको इसकी वर्किंग भी दिखा दूंगा कि ये काम कैसा कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके नट और बोल्ट्स को खोल कर धीरे धीरे इसे एलाइन कर इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है, तो जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।